जय हिंद दोस्तों। देश की सरहदों पर से शहीद होने की खबर आ रहे हैं तो घर पर इनके शादी होने की तैयारी चल रहा था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद के झगहा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राघवपट्टी पटरी के टोला फैलवा निवासी 30 वर्षीय धनंजय यादव को मंगलवार देर शाम उनके घर का मौत की सूचना पहुंची गई। मृतक को धनंजय यादव आर्मी में शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में तैनात थे। मृतक जवान के परिजनों ने विभाग के अधिकारियों पर बेटे के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। घर में मृतक जवान की शादी की तैयारी चल रहा था। बता दें कि 3 दिन से धनंजय यादव लापता थे। बता दें कि फैलहा निवासी रामनाथ यादव के एकलौता पुत्र 30 वर्षीय धनंजय यादव जो आर्मी में शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में तैनात थे। धनंजय यादव सिक्किम में आर्मी एजुकेशन कोर हेडक्वार्टर 112 माउंटेन ब्रिगेड यूनिट 45 में GRHRDC चालक में तैनात था। मंगलवार देर शाम धनंजय यादव का घर पर फोन आया कि उनकी मौत हो गई है। फोन करने वाले ने बताया कि 3 दिन से धनंजय यादव अपनी बैरक के बिस्तर से गायब थे और उनका ID एवं मोबाइल बिस्तर पर पड़ा था। परिवार में कोहरामा मच गया। परिजनों में बताया कि मृतक धनंजय यादव के साथी द्वारा घर पर सूचना दी गई थी कि उसका शव कंपनी से कुछ ही दूर पर मिला था। दोस्त, मृतकों सेना के जवान के परिजनों ने विभाग के अधिकारी पर बेटे के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। धनंजय यादव अपने घर के एकलौते पुत्र थे जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। परिवार में शहीद होने की खबर से कोहरामा मच गया। धनंजय यादव की कमाई से पूरे परिवार का पेट भरता था। उनकी मौत की खबर से परिवार सहित पूरे गांव मातम छा गया। मृतकों के पिता रामनाथ यादव, माता फुफुंदी देवी, बहन आरती को रो रो कर बुरा हाल हो गया। धनंजय यादव की शादी तय हो चुकी थी। परिवार में धनंजय यादव की शादी के लेकर तैयारी चल रही थी। अचानक उनकी मौत की सूचना से परिवार का दुख का पहाड़ टूट गया। अगर इस जवान के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। बता दें कि धनंजय यादव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे और हमारे देश की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने सेना का हवलदार के पद पर तैनात थे और सिक्किम में कार्यरत थे। सिक्किम में हमारे देश की सेवा कर रहे थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि धनंजय यादव का पार्थिव शरीर आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज ही के दिन में उनका निवासी गांव फैलवा में लाया जाएगा और अंतिम विदाई किया जाएगा। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।